हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी एक्लिप्स के बारे में, यानी ग्रहण के बारे में। ग्रहण क्या है और कितने तरीके में होता है और इसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो पहले हम जानते हैं एक्लिप्स क्या है। जब एक सेलेस्टियल बॉडी बोले तो जो हमको रात में लाइट देता है वो है सेलेस्टियल बॉडी। जैसे आपके चांद हो गया, स्टार हो गया, वो है सब सेलेस्टियल बॉडी। जब एक सेलेस्टियल बॉडी दूसरी सेलेस्टियल बॉडी को कवर कर देता है तब हम इसको बोलते हैं एक्लिप्स। नॉर्मली एक्लिप्स दो तरह के में पाया जाता है और वो है सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, एंड लूनर एक्लिप्स, वो है चंद्र ग्रहण। तो चलिए जानते हैं सोलर एक्लिप्स के बारे में। जब सन एंड अर्थ के बीच में मून चले आता है तब सोलर एक्लिप्स बनता है। तो चलिए जानते हैं लूनर एक्लिप्स के बारे में। लूनर एक्लिप्स तब बनता है जब मून अर्थ के पीछे में चले आता है और सारे लाइट जो सूरज से निकल रहे उसको अर्थ पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर देता है एंड कोई भी लाइट रेज को भी एमिट नहीं करते। सोलर एक्लिप्स नॉर्मली दिन में देखने को मिलता है तभी लूनर एक्लिप्स रात को पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमको हमेशा सोलर एक्लिप्स दिन में देखने को मिलेगा एंड लूनर एक्लिप्स रात को देखने मिलेगा। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है जब बोथ सोलर एंड लूनर एक्लिप्स एक साथ में पाया जाता है। मून के सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होने के वजह से ये सारी रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है और इसी वजह से मून हमको ब्राइट दिखता है। लूनर एक्लिप्स के टाइम पे मून ज्यादा अमाउंट में ऑरेंज कलर को एमिट करता है जिस वजह से मून हमको ऑरेंज कलर लूनर एक्लिप्स के टाइम पे देखने को मिलता है। तो सवाल ये उठता है जब मून अर्थ के पीछे में चले आता है तब लूनर एक्लिप्स बनता है। तो 27 डेज में मून रिवोल्यूशन करता है जिस कारण से हमको हर महीने लूनर एक्लिप्स देखने को मिलना चाहिए। तो क्यों नहीं दिखती? क्योंकि हर महीने में अर्थ एंड मून एक ही प्लेन में नहीं होते, लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो जाता है जब मून एंड अर्थ एक ही प्लेन में होते हैं, इसीलिए हमको हर महीने में लूनर एक्लिप्स नहीं दिखते। तो सवाल ये फिर से उठता है, सोलर एक्लिप्स में सन एंड अर्थ के बीच में मून चले आता है और सन को ढक देता है, बल्कि मून का साइज सन के साइज से कहीं गुना छोटा है। तो ये कैसे होता है? क्योंकि सन एंड मून के बीच में जो डिस्टेंस है अर्थ से वो 400 गुना है, इसलिए हमको बोथ सन एंड मून अर्थ के सरफेस से एक साइज में देखने को मिलता है। अर्थ के जिस सरफेस में एक छोटा ब्लैक स्पॉट दिखाई देते हैं और उस सरफेस में हम सन को नहीं देख सकते उसको हम बोलते हैं अम्ब्रा। उसी तरह अर्थ के जिस सरफेस में एक बड़ा ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है और उस पॉइंट से हम सन को थोड़ा बहुत देख सकते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं पेनल। बेसिकली हम सोलर एक्लिप्स के बारे में बात करें तो ये तीन तरीके में होता है। पहला है टोटल सोलर एक्लिप्स, उसके बाद आता है पार्शियल सोलर एक्लिप्स एंड आखिर में होता है एनुलर सोलर एक्लिप्स। तो चलिए जानते हैं टोटल सोलर एक्लिप्स के बारे में। जब मून टोटली सन को ढक देता है तब हमको सन नहीं देखने मिलती है, तब हम इसको बोलते हैं टोटल सोलर एक्लिप्स। नॉर्मली ये टोटल सोलर एक्लिप्स अम्ब्रा के रीजन में पाया जाता है और ये 3 मिनट के लिए रहता है और इस सरफेस को हम बोलते हैं जोन ऑफ टोटालिटी। जब मून पार्शियली सन को कवर कर देता है तब हम इसको बोलते हैं पार्शियली सोलर एक्लिप्स और ये हमको पेनम्ब्रा के रीजन में पाया जाता है। जब मून आउटर सरफेस में एक ब्राइट लाइट दिखाई देती है तब हम इसको बोलते हैं एनुलर सोलर एक्लिप्स। आप इतना याद रखेंगे कि सोलर एक्लिप्स अमावस्या के दिन में दिखाई देता है तभी लूनर एक्लिप्स पूर्णिमा के दिन में दिखाई देता है। बोलते हैं सोलर एक्लिप्स में सन को नहीं देखना चाहिए क्योंकि हमारा आंखों की रोशनी चले जाता है। क्या ये सच है? जी हाँ दोस्तों, ये सच है। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। ये जो सनलाइट है ना वो अल्ट्रावायलेट, विजिबल एंड इंफ्रारेड लाइट को लेकर बनते हैं। नॉर्मल डेज में जब सनलाइट को हम देखते हैं ये ज़्यादा ब्राइट होने के कारण से हमारा प्यूपिल इसको कंट्रैक्ट कर देता है और ज़्यादा लाइट हमारे आँखों के अंदर नहीं जा सकती जिस वजह से हमको कोई भी आँखों की प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन सोलर एक्लिप्स के दिन में जब मून पार्शियली ये या फिर कम्प्लीटली ढक देता है तो हम अच्छे तरीके से देख सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद सनलाइट ज़्यादा अमाउंट के आने के लगते हैं और हमको और हमारा जो ब्रेन है ना वो इसको समझ नहीं पाती जिस वजह से हमारा प्यूपिल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती और ज़्यादा अमाउंट में सनलाइट आने के वजह से हमारा जो रेटिना है ना वो डैमेज होने लगता है जिस वजह से हमको कुछ दिखाई नहीं देती।
इसलिए हमको बोलते हैं कि सोलर एक्लिप्स के टाइम पे सन को खाली आंखों में नहीं देखना चाहिए। यदि हम इसको देखना चाहते हैं तो हम प्रोटेक्टिव ग्लास की मदद से देख सकते हैं। और ये भी बोलते हैं कि सोलर एक्लिप्स के टाइम पे खाने नहीं खाने चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है? सोलर एक्लिप्स के टाइम पे जो रेडिएशन निकलती है वो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। ये डायरेक्टली हमारी फूड के ऊपर इम्पैक्ट करता है। सोलर एक्लिप्स के टाइम पे बहुत सारी हार्मफुल बैक्टीरिया जन्म होते हैं और ये फूड को पॉइजनस करने में मदद करते हैं। इसलिए हमको बोलते हैं कि सोलर एक्लिप्स के टाइम पे कोई भी खाना बनाकर नहीं खाना चाहिए। और किसी ने पहले से ही खाना बना कर रखा है तो वो चाहता है कि इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो वो क्या करेगा, उस फूड में तुलसी के पत्ते डाल सकता है, क्योंकि तुलसी के पत्ते एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण से यह हमारे फूड को अच्छे तरीके से रख सकता है और बैक्टीरिया फ्री रख सकता है।